तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि आपको यहाँ पर मिल रही है लगातार बैक टू बैक टॉस मैच और सेशंस की विनिंग प्रेडिक्शंस। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले तीसरे T20 मुकाबले की, जो की खेला जाएगा 30 जुलाई को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7 बजे पल्लकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्लकेले में। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड की, करेंगे टीम का कंपेरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 21 मुकाबलों में इंडिया की टीम जीती है, वहीं 9 मुकाबलों में श्रीलंका ने जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब बात करें अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें श्रीलंका की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे अविष्का फर्नांडो, पाथुम निसांका, कुशाल मेंडिस, दिनेश चंडीमल, कामिंदु मेंडिस, आसन सिन्हा, कावानिंदु हसरंगा, महेश थिक्सना, मथिसा पथिराना, रमेश मेंडिस और विनुना फर्नांडो। श्रीलंका की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, खासकर इसका टॉप ऑर्डर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी हो रहा है दोनों ही मुकाबलों से। क्या इस मुकाबले में मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस कर पाएगा और अपनी टीम को जिता पाएगा? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो हमें टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, कप्तान सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और खलील अहमद। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें काफी स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म भी है। पिछले दोनों ही मुकाबलों में सीरीज के जो हुए उनमें दोनों ही टीमों के टॉप ऑर्डर ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में इंडिया की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इन फॉर्म है। हालांकि श्रीलंका के पास मिडल ऑर्डर में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी है, लेकिन अभी तक बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, पूरी तरह से फ्लॉप रही है। तो अगर इस आखिरी मुकाबले को जीतना है इस सीरीज के, तो मिडल ऑर्डर को भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करना होगा। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें लगभग बराबर है, दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। तो इन दोनों के बीच हमें एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग जैकपॉट मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा पल्लकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्लकेले में। यहाँ के बीच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 169, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 147 रन है। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट चेज 263 रन हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 81 है। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट चेज 177 है, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 125 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पहले बैटिंग या बॉलिंग चूज करेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग के जीतने का एवरेज लगभग बराबर है। यहाँ पर स्पिनर्स और पेसर्स दोनों ही तरह के बॉलर्स को बराबर मदद देखने को मिल रही है, दोनों ही तरह के बॉलर्स यहाँ पर विकेट लेते हुए नजर आने वाले हैं। हमने बात की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि वहां पर टॉस मैच और सेशंस की सारी अपडेट बिल्कुल ही फ्री दी जाती है, चाहे वो ये मुकाबला हो या अदर जो भी मुकाबले चल रहे हैं, जैसे कि दाहन रेड हो गया और जो भी अदर लीग चल रही है, उन सब की प्रेडिक्शंस आपको बिल्कुल ही फ्री दी जाती है और 99% एक्यूरेट दी जाती है। आप टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं, हम लगातार बैक टू बैक काफी प्रॉफिट करा रहे हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसलिए अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए और आप भी प्रॉफिट कीजिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है टीम इंडिया। हाँ दोस्तों, इंडिया इस मुकाबले को जीत लेगी, लेकिन ये मुकाबला पूरी तरह से जैकपॉट होगा और जैकपॉट की अपडेट एंट्रीज आपको टेलीग्राम पर दी जाएंगी। टॉस प्रेडिक्शन, सेशन प्रेडिक्शन भी टेलीग्राम पर आएंगे, साथ ही साथ जो दाहिन रेड के दोनों मुकाबले हैं उनकी भी प्रेडिक्शन वहीं पर मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।